अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू डू। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपना पर्सनल डेटा जो हमारे डिवाइसेस में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मेमोरी कार्ड और USB में सेव होता है, उसको परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग और अमूमन लड़कियां इस चीज़ का बहुत शिकार होती हैं कि उनका जो डेटा होता है, पिक्चर्स होती हैं या प्राइवेट फैमिली की जो पिक्चर्स होती हैं, वो सोशल वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया पे वो घूम रही होती हैं, तो वो कैसे यहाँ तक पहुँचती हैं। तो जब आप अपना मोबाइल परचेज करते हैं, उसको लाते हैं, आप पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, उसमें स्टोर रखते हैं, बाद में आपने जब वो सेल करना होता है तो आप अपनी वीडियोस और पिक्चर्स को वहाँ से डिलीट करते हैं, मोबाइल को फैक्ट्री रिसेट करके मोबाइल सेल कर देते हैं। तो ये काफ़ी नहीं होता। आप अपनी पिक्चर्स और वीडियोस को परमानेंटली फ़ोन से डिलीट करने के लिए आपको कुछ मेथड होते हैं जो अप्लाई करने होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैठे होते हैं बहुत सारी डिवाइसेस को, वो इस तरह उनका डेटा रिकवर करके, उनके अपने मतलब की चीज़ें निकाल के, वो या तो सोशल वेबसाइट्स पे, कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं उनको या तो वो सेल कर देते हैं, या फिर अपने पेजेस को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए उस डेटा का वो यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कुछ बहुत से पेजेस होते हैं देसी टाइप के, उनके नाम होते हैं कुछ इस तरह के, कुछ गलत वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर ये पिक्चर्स अपलोड की जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ से बचने के लिए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अपनी जितनी भी आपकी मेमोरी कार्ड, USB, आपके स्मार्टफोन और लैपटॉप और कंप्यूटर जितने भी हैं, उसमें अपना पर्सनल डेटा सेव ना करें। अगर आप सेव करते हैं तो आप उसको परमानेंटली प्रॉपरली डिलीट करें। फैक्ट्री रिसेट करना काफ़ी नहीं होता, डिलीट करना काफ़ी नहीं होता। अभी भी अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी वो पिक्चर्स जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं। वो कैसे रिकवर कर सकते हैं उस पर मैं एक नेक्स्ट कोई वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा कि आप कैसे उनको रिकवर कर सकते हैं मोबाइल से। तो आप इन जो अपनी जितना भी डेटा है, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप ये मेथड जो है वो ज़रूर अप्लाई करें। तो अब चलते हैं कि हम अपने डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी सबसे कि मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल में मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली ऐसी वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ और ताकि मेरी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे जो सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि हमारा जो व्हाट्सएप और मैसेंजर का डेटा होता है वो कहाँ पर पड़ा होता है, वो डिलीट करने के बावजूद आपके सिस्टम में स्टोर होता है तो वो कहाँ से जाकर डिलीट कर सकते हैं हम। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। फाइल एक्सप्लोरर होता है या बहुत सारे मोबाइल में इसको माय फाइल के नाम से ये होता है एक फोल्डर, यहाँ इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ से स्टोरेज डिवाइस में जाएंगे। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो चीज़ें हम व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू शेयर करते हैं वो चीज़ें भी एज इट इज़ आप डिलीट कर देते हैं, लेकिन आपके वो सिस्टम में कहीं ना कहीं वो फाइल्स पड़ी होती हैं, आप उनको ओपन करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि वो कैसे मौजूद होती हैं। यहाँ पे मैं गैलरी में जा, व्हाट्सएप इमेजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 इमेजेस हैं। इसके बाद मैं माय फाइल में जाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ पे कितनी इमेजेस पड़ी हुई हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करें, मीडिया में चले जाएँ, उसके बाद यहाँ से आप वीडियोज़ में जा कर वीडियोज़ देख सकते हैं, वो भी एज इट इज़ पड़ी होंगी जो आपने डिलीट कर दी हैं। सेंट आइटम में जाके देखें, वहाँ भी पड़ी होंगी। यहाँ से इमेजेस में जाएं, यहाँ पे वो 3 इमेजेस जो मुझे मेरे उधर सिस्टम में पड़ी हैं वो पड़ी हुई हैं, लेकिन जो सेंड में मैंने सेंड की हुई हैं वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हैं। ये मैं डिलीट करता रहता हूँ इसलिए मेरे जो सिस्टम में पड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम है। तो जो आपके काम की पिक्चर्स हैं उनको पहले कॉपी कर लें या मूव कर लें, उसके बाद यहाँ पर आप जा कर देखें जितनी भी आपका डेटा है, जब से आपने शुरू किया, अगर आपने डिलीट नहीं किया तो तब से अब तक का वो सारा डेटा यहाँ पर मौजूद होगा। तो सारे को डिलीट कर दें। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो आप देख रहे हैं ये भी पड़ी होती हैं, एज इट इज जितने भी आप ये सारे फोल्डर चेक करके देख सकते हैं। फिर यहाँ से जाके आप, ये एक और चीज़ है,
बहुत सारे मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन बहुत सारी डिवाइसेस में आजकल ये ऑप्शन आ रहा है, जिसको थंबनेल का ऑप्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे थंबनेल हैं। ये थंबनेल वो हैं जो आप डिलीट कर सकते हैं, अगर इनको डिलीट कर दें तो कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ से ये थंबनेल भी आप डिलीट कर दें। इससे ये होगा कि आपके जो सिस्टम में जो स्पीड है उसका जो लोड है वो भी कम होगा, सिस्टम से जो लोड है वो भी कम होगा, और जो आपके सिस्टम की स्पीड है वो भी बेहतर होगी, और आपका जो पर्सनल डेटा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि अपने अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसा डेटा था कभी, तो अगर आप उस अपने मोबाइल को सेल करने जा रहे हैं या अपने मोबाइल को किसी के दूसरे के हाथ में देने जा रहे हैं, तो अपने मोबाइल की जितनी भी आपकी स्टोरेज है उसको सबसे पहले डिलीट करें, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट करें, दोबारा मोबाइल को ओपन करें, उसमें कोई भी ईमेल वगैरह कुछ भी ना डालें, मोबाइल को एज इट इज़ जो है वो ओपन करें, मोबाइल को बगैर किसी ईमेल आईडी के आप मोबाइल को ओपन करें, और ओपन करने के बाद आप उसकी स्टोरेज जो है उसको फुल कर दें, जितनी भी आपके वीडियोस हो या गाने कुछ भी सॉन्ग्स हों वो आप उनके साथ उसको फिल करें, मोबाइल को फिल करके आप फिर उसको दोबारा से फॉर्मेट करें, और फिर एक दफ़ा फैक्ट्री सेट करके रीस्टार्ट कर लें। उसके बाद जो भी आपका डेटा रिकवर करने की कोशिश करेगा वो आपका ओरिजिनल जो पहले डेटा पड़ा हुआ था वो रिकवर नहीं हो पाएगा, जो बाद में आपने किया था जो फजूल की जो फाइल्स थी सॉन्ग्स वगैरह थे वो रिकवर हो जाएंगे, जो पहले की थी वो रिकवर नहीं हो पाएगी। हो सकता है वो दो चार चीज़ें हों, लेकिन ज़्यादातर यही होगा कि आपकी जो पर्सनल डेटा था उसमें वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो बहुत एहतियात करें इस चीज़ से बचने के लिए। आखिर में यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं दूसरे मोबाइल की, मेरे पास एक लेनोवो का मोबाइल है उस पर चल के देखते हैं, मैं उस पर आपको दिखाता हूँ कि दूसरे जो मोबाइल्स होते हैं उनमें से कैसे जाके आप डेटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, सॉरी अपने डेटे को कैसे डिलीट किया जाए। अभी एक और मेरे पास दूसरा मोबाइल है लेनोवो का, अगर आपके पास कोई और मोबाइल है तो उसमें जाके आप कैसे पिक्चर आप ढूंढ के डिलीट कर सकते हैं। ये फाइल एक्सप्लोरर में आप जाएं, यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट करें, यहाँ से जो इंटरनल स्टोरेज है वो कर लें, यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से आप व्हाट्सएप में जाएं, मीडिया ऑडियो भी पड़ी होती है, ये देखेंगे कितनी ऑडियो पड़ी हुई है। नॉर्मली हर बंदा इनको डिलीट कर देता है लेकिन ये डिलीट नहीं होती, ये सिस्टम में पड़ी रहती हैं। आप इनको डिलीट तो कर देते हैं लेकिन ये होती नहीं है, तो इनको कैसे डिलीट करना है, ये ऑडियो यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल कर लें, ये ऑल सिलेक्ट करके यहाँ से आप इनको डिलीट कर दें। उसके बाद आप चाहें उसके बाद आप व्हाट्सएप इमेज में जाएं, ये देखिए कितनी इमेज हैं, कितनी की इमेज हैं जो कि यहाँ पड़ी हुई हैं, सारी बहुत पुरानी और सिस्टम में ये नहीं है, सब सारी डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन ये आपके व्हाट्सएप में मौजूद हैं। होता ही है कि किसी को भी आप अपना मोबाइल फ़ोन देते हैं और या आप सेल कर देते हैं मोबाइल फ़ोन, आप उसको फैक्ट्री सेट कर देते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें पिक्चर्स रह जाती हैं और वो डिलीट नहीं होती, अगला बंदा उनको सोशल वेबसाइट्स पे अपलोड कर देता है कुछ भी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी पिक्चर्स जो होती हैं वो ऐसे ही लीक हो जाती हैं, तो यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर दें। ओके, ये जितनी भी व्हाट्सएप की पिक्चर्स थी ये डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं, वॉइस नोट यहाँ पे मतलब व्हाट्सएप के ऑप्शन में जाके आप सारे फोल्डर चेक कर लें, जितना भी आपका डेटा प्राइवेट है जो आप डिलीट कर चुके हैं उसको यहाँ से प्रॉपरली डिलीट करें। यहाँ पे एक मैसेंजर का ऑप्शन भी होता है, फेसबुक मैसेंजर का ऑप्शन भी होता है, वहाँ से भी आप लाजमी जाके ये डिलीट करें।